नहीं देख रहा था उस वीडियो में, तो उससे मैं काफी सैड हुआ था, तो मैंने उस रेफरेंस में बोला। बट लोग तो यार कुछ और ही समझ लिए, मतलब मैंने डिटर्जेंट बोला अल्फा क्लेशर को, ऐसा मैंने पूरे वीडियो में कहीं बोला गया कि अल्फा क्लेशर एज ए डिटर्जेंट है। लोगों ने अपने वे में ही अपना यू नो एग्जाम्पल समझा नहीं कुछ नहीं, फिर बाद में ऊपर से डेंजर वाइज स्ट्रीम करने आते और फिर बाद में यू नो गाली वाली चालू हो गई। भाई वो तो ठीक है, चलो उसकी उम्र है अभी छोटा है तो उसके हॉर्मोन्स क्या है बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं, गाली वाली दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम 7 लाख की पब्लिक लेके बैठे हो तो पहले थोड़ी रिसर्च करो कि मैंने किस वे में बोला है, कैसे बोला है। मैंने किसी को या अल्फा ग्लेशियर को कुछ डिटर्जेंट नहीं बोला था, बस सीधा ये बोला था कि साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क होता है, एक स्ट्रीमर और एक कम्पिटिटिव प्लेयर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर उस वीडियो में सारे कम्पिटिटिव प्लेयर तो मैं अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहा था, ये वो वाली बात थी। तो भाई डेंजर भाई तुम गाली वाली देना बंद करो दोस्त, समझ रहे हो। गाली बोल के तो मैं भी एक रैप बना दूंगा, बट मैं तुमको इस वीडियो में कोई गाली नहीं दे रहा, रिसर्च पूरी करके आओ। और हाँ, तुमने वीडियो स्टार्ट करते हो रिएक्ट करते हो कि अल्फा भाई जो है टायर वन की 4 लाइनअप खरीद लेंगे, टायर वन के ऐसे ऐसे प्लेयर्स उठा लेंगे, तो मेरे भाई देख ऐसा है, पहली बात तो वो टायर नहीं है, टीयर होता है, ठीक है ना। बोलना मेरे को भी आता है और मैं किसी की ग्रामर करेक्ट नहीं करता, बट मैं इसलिए तेरी कर रहा हूँ बिकॉज द थिंग इज तू अकेले में मेरे को ऐसा बोलेगा ना टायर वन खरीद लेंगे, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई टायर वन। बट तू अगर 7 लाख लोगों के सामने बोलेगा ना टीयर वन, तो अभी टायर वन बोलेगा ना 7 लाख लोगों के सामने, तो अभी वो जो तेरे को देखते हैं, जो तेरे को फॉलो करते हैं, वो लोग भी क्या बोलेंगे, टायर वन। बराबर, ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है। तो अभी तूने गलत चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया तो वो सारे लोग भी वही चीज़ उठाएंगे, तो ये आयरनी है। अब ये भी एक एग्जांपल है, अगर तेरे को समझ में आया तो समझना, ठीक है। तो वो टायर वन नहीं टीयर वन होता है, और तू जिस चीज़ के ऊपर तूने रिएक्ट किया ना वो गलत थी। मैंने अल्फा क्लेशर को कोई डिटर्जेंट नहीं बोला ना किसी को कुछ बोला, बाकी पिकाचूस के दिमाग में तो ऐसा ही रहता है, उनको समझ में आती नहीं बात। मेरे भी बूट कैंप में बहुत से लोगों जिनको समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या एग्जांपल था, तो मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। बिना गाली के बोला कर, ना तेरा ना मेरा कुछ लेना देना, तेरे पास 7 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे खुद के हैं और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, तो वो मत कर। और अल्फा भाई की बात की जाए तो देखो उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके व्लॉग्स भी देखता हूँ, उसके व्लॉग करने का स्टाइल भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोटा भाई कैम छो। तो ये वे में कोई कंपैरिजन नहीं था, कुछ नहीं था, ये हाईलाइट चैनल वालों ने था, आधा आधा ज्ञान दिया है और तुमने आधे आधे ज्ञान के ऊपर वीडियो भी बना दी। तो अगर स्ट्रीमर हो तो पहले गेट योर मैथ्स, गेट योर रिसर्च करेक्ट एंड देन रिएक्ट।